नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। बेटा, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन की मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की। बेटा, आप लोगों ने आज सुबह में CBSE मिड टर्म एग्ज़ाम दिया है फिजिकल एजुकेशन का, उसकी आंसर की इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 70 नंबर का पेपर बेटा आप लोगों का आज हुआ था, 3 घंटे का टाइम आपको दिया गया था। तो अपना क्वेश्चन पेपर बेटा अपने साथ रखेंगे और अपने आंसर्स को टैली करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डी आपका करेक्ट आंसर है, सेकंड का ए, थर्ड का भी ए, फोर्थ का बी। इसके लिए आपको एक अथवा में एक प्रश्न दिया गया था और करके एक प्रश्न दिया गया था, उसका आंसर फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ए, सेवन्थ का डी, और जो विकल्प वाला आंसर है वो है सी, 8th का सी, 9th का बी, 9th का जो विकल्प है और वाला आंसर है वो है ए, 10th का ए, 11th का ए, 12th का सी, और 13 में आपको कुछ आसन है जो आपको पहचानना था, तो वो यहाँ पर आपका 2 नंबर का प्रश्न है बेटा ये। अब 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके शुरू हो गए हैं, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे, ऑप्शंस अपना टैली करते जाएंगे, आंसर्स मिलान करते जाएंगे। इसी के साथ बेटा, शिक्षा प्रभा पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शिक्षा प्रभा को आपको सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की अपनी बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम, पेपर सॉल्यूशन, आंसर की, मॉडल टेस्ट पेपर, CBSE पेपर रिजल्ट्स और बाकी CBSE अपडेट्स के लिए एक तरह से पूरा का पूरा ये आपका एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन है। आपको जो डिस्क्राइब करने थे क्वेश्चंस के आंसर्स, वो भी यहाँ पर आपको, मतलब आपको किस तरह से लिखना है, क्या पैटर्न होना चाहिए जिससे कि आप पूरे नंबर उस क्वेश्चन में ला सकें, आपको कम लिखना पड़े, किस तरीके से लिखना है, वो आपको इस आंसर की के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए आंसर की रहेंगी, और आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एनुअल एग्ज़ाम में लेकर के आएंगे और इस वाले पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो को बेटा पॉज कर रही हूँ जिससे कि आपको कोई एक्स्ट्रा शोर ना सुन सके।
तो बेटा ये थी आप लोगों की फिजिकल एजुकेशन की आंसर की। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, एग्ज़ाम पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो मेरी वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास ग्रुप में शेयर करना है और आपको बेल आइकन को ऑल पर सेट रखना है जिससे कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।